भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक दलित परिवार में जन्म लेने के बाद समाज की तमाम घृणा को झेलते हुए संघर्ष के बल पर बाबा साहब ने देश के संविधान की रचना कर एक एक मनुष्य के बराबर होने का ठोस ऐलान किया। लेकिन आज भी कई बार बाबा साहब के सपनों पर हमला होता है। देश महामारी की दौर से गुजर रहा है, लेकिन इन हालात में भी भारत जातीय भेदभाव कम नहीं हो रहा। क्वारंटाइन में रह रहे लोगों में से किसी ने कहा कि दलितों के हाथ का बना खाना नहीं खाएगा। इस मानसिकता का कारण है मनुवादी विचारधारा, जिसने सैकड़ों सालों से वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज के एक तबके को हमेशा दबाने का काम किया। बाबा साहब कहा करते थे कि किसी समाज के विकास को उस समाज की महिलाओं के विकास से आंका जाना चाहिए। लेकिन आज भी मनुवादी समाज महिलाओं को वह अधिकार नहीं दे रहा जिसकी वो हकदार है। समाज के पुरुषवादी ढांचे के कारण महिलाओं को कमतर आंका जाता है। बाबा साहब हर उस व्यक्ति की आवाज बने जो हाशिए पर था, लेकिन आज गरीबों को जानबूझकर हाशिए पर लाया जा रहा है। समाज के लिए अन्न उगाने वाला किसान वर्ग खुद भूखा सोने को मजबूर है। पूंजीवादी मानसिकता किसानों का हित सोच ही नहीं सकती। दो साल पहले 2018 में कुल 10,349 किसानों ने खुदकुशी की थी। पिछले चार सालों में किसानों से भी अधिक बुरी स्थिति समाज के युवाओं की रही। सबसे बड़ा कारण बना बेरोजगारी। 2018 में खुदकुशी करने वालों में बेरोजगारों की संख्या सर्वाधिक रही, 12,936 बेरोजगारों ने 2018 में आत्महत्या की। यह संख्या किसानों की संख्या से भी अधिक है। कोरोना संकट के कारण आज कारखाने बंद है, दफ्तर बंद है, परिवहन के साधन बंद है। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी मार पड़ रही है। आर्थिक विशेषज्ञ बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मजदूरों और गरीबों का वह वर्ग जो मंदी से पहले ही भूखे मरने की कगार पर पहुंच गया, वह मंदी को कैसे झेलेगा भाई? समझना मुश्किल नहीं है। रोज विभाजन की कोई नई तरकीब तलाशी जा रही है। कभी CAA NRC के जरिए एक धर्म विशेष को डराया जाता है, तो कभी नोटबंदी के द्वारा गरीबों और मंझलों व्यापारियों को लगभग तबाह कर दिया जाता है। जाहिर है इन स्थितियों से निराश होकर कई बार लोग संविधान को कोसने लगते हैं, लेकिन तभी हमें बाबा साहब का वह कथन ध्यान आता है जो उन्होंने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसे लागू करने वाले लोग खराब हुए तो संविधान भी खराब ही सिद्ध होगा। संविधान के पालन में हर व्यक्ति का हित है, इसे समझने और इसे मानने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत।